हाउ टू सॉल्व फिजिक्स यूनिट का। फिजिक्स यूनिट का के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूले। जब भी आप यूनिट का सॉल्व करेंगे उसमें एक ही चीज आपको रखना है, एक ही चीज क्या रखना है आपको, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें ये ध्यान दें कि फॉर्मूला होता क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैकेनिक्स में फोर्स इक्वल टू एम ए, वेलोसिटी इक्वल टू में बी एस अपॉन में डी टी, एक्सीलरेशन इक्वल टू में डी वी अपॉन में डी टी, मोमेंटम इक्वल टू में मास इनटू वेलोसिटी, टॉर्क इक्वल टू में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें इस सब के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, हमें उसे कम से कम याद रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते। सेकेंड थिंग क्या है, कॉन्सेप्ट। अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा कैसे बिल्डअप होगा, जैसे आप इस तरीके से करेंगे कि आप जाते हैं मूवी देखने, मूवी देखने में सबसे पहले आप क्या आइडिया लगाते हैं, कहीं हीरो कौन है, विलन कौन है। उसके बाद आप जाके इंटरेस्ट से देखते हैं ना कि आपको लगता है कि ये जो है ना मूवी में कुछ ना कुछ होगा ना, विलन को जान लेते हो आप, हीरो को जान लेते हो, तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ। तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होगा, कॉन्सेप्ट आपको ये बिल्डअप किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि एंगल एनालिसिस, क्रिटिकल कंडीशन के भाई कौन सी डीटा पे कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट पता हो, कॉन्सेप्ट थ्योरी से पता होती है, इस तरीके से अप्लाई करें। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, मोस्ट इजी एक्सरसाइज। मोस्ट इजी एक्सरसाइज का मतलब जो बहुत ज्यादा इजी, ओनली ओनली बेस्ड अपॉन फॉर्मूला। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको फोर्स फाइंड आउट करना, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, एम भी आपको दिया है, एक्सीलरेशन भी आपके पास दिया हुआ है, मतलब सिंपल इसमें बना बना हुआ सारा कुछ रहता है, बस आपके पास डाटा दिए हो और सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले पे आपका आंसर। उसके बाद क्या है, स्टेप फोर में मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज। मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, कुछ चीज रिलेटेड दिया हो, कुछ आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता हो, कोई डाटा को इंटर चेंजिंग करना पड़ता हो, और कुछ फॉर्मूले से फॉर्मूले। सबसे पहले आपको आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20 मीटर, और उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकंड, तो आप इससे आप क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। जब वेलोसिटी फाइंड आउट कर दो तो उसके बाद आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। जब एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे जब आपको मास स्पीड मिले। तो इंटरचेंज डिफिकल्टी का मतलब, मोस्ट डिफिकल्ट का मीनिंग क्या है कि इस एक्सरसाइज में आपको इंटरचेंजिंग किया होगा, मतलब कि आप उसको सोच पाओ, ये आपको डीपली विजन के टाइप में कि उसको आप सोच पाओ। आपको डाटा इंटरप्रिटेशन हो, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, जैसे एक्सपोनेंट हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, कि जिस टाइप से आपको इजी का इंटरसेंस हम ये कह सकते हैं, जो चीज कांस्टेंट हो और उसके अलावा जितना भी वेरिएबल डाटा है वो आपको दिया और इजी आप उसको सब्स्टिट्यूट करके दिया जाए। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स में आप इस तरीके से देखोगे कि आपको एक डाटा दिया हो, आप दूसरा को रिलेट करके फाइंड आउट कर रहे हैं, को रिलेट के फाइंड आउट करके फिर तीसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, फिर उसका एनालिसिस करके जो फॉर्मूला है, जो आपको वर्चुअल फॉर्मूला, उस वर्चुअल फॉर्मूले पे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। जब आप सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद कुछ टैक्स के न्यूमेरिकल्स आप जब कर लेते हैं, जिसको कहते हैं डिफिकल्ट्स। अब देखिए डिफिकल्ट्स न्यूमेरिकल्स होते हैं किस टाइप से, आप एनसीईआरटी के जो आप कह रहे हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चंस के बाद जो थे 15 to 20 क्वेश्चंस आपका जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद उससे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट में क्या, उसमें लॉजिकल्स होते हैं कि आप किस तरीके से उसको कोई डाटा को इंटरप्रेट कर पाओ और उसको सब्स्टिट्यूट कर पाओ। मॉडरेट टाइप क्वेश्चन, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन क्या होता है, इस मॉडरेट टाइप क्वेश्चन में ये चीज होता है, ये
रिमेम्बर थिंग, मतलब कुछ ऐसी चीज हो जो आपको याद नहीं करना, जो कुछ ऐसी चीज हो जो आपको डेफिनेटली याद करना, मॉडरेट, मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा ईजी। तो इस टाइप के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस, अब फिजिक्स का करने का एक ही तरीका है कि आप पहले थ्योरी, कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लो, उसके बाद जब एक पेज पे ओवरऑल एक पेज ए फोर शीट पे आप लिख जाइए और उसके जितने भी चैप्टर्स के रिलेटेड फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले इसको आप नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लेने के बाद उसके बाद आप न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करो। न्यूमेरिकल सबसे पहले के सॉल्व एग्जाम सबसे पहले करना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल फॉर्मूले नोट कर लिए, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है सॉल्व एग्जाम, सॉल्व एग्जाम पर जाओ। जब आप सॉल्व एग्जाम पर लगा लेते हैं तो उसके बाद जो ना आप अनसॉल्व एग्जाम पर लगा, उसके बाद जो ना आईआईटी की कोई बुक्स ले लो, आईआईटी जेई का कोई बुक्स ले लो, नीट का कोई बुक्स ले लो, एक्चुअली गेम्स वगैरह से कोई बुक ले लो जो बुक्स काफी अच्छा हो। और एक बात होता है बेटा, आप लोगों को जो गेम्स की बुक होती है ना, उस बुक्स पे होता क्या है कि न्यूमेरिकल्स ज्यादा डिफिकल्ट है, नीड्स में ज्यादा न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं आता, उसमें सिर्फ आता है ओनली एब्रेशन बेस्ड या डाटा बेस्ड क्वेश्चन, कुछ आपको रिलेशन पूछते सबको ज्यादा आप देखिए मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से पूछते हैं आपको P इक्वल टू क्या होता है एम बी, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, अब जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। इस टाइप से लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, नीट में कुछ अलग अलग ग्राफ भी आ जाता है, कुछ कोरिलेटेड वगैरह टाइप से।